हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। रेती बंदर खाड़ी में अवैध रूप से की जा रही है भरनी। क्यों अवैध भरनी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है अवैध भरनी? आखिर किसके रहमो करम पर हो रही है ये भरनी? क्या प्रशासनिक अमला भी है इसमें शामिल? आखिर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रेती बंदर में अवैध तरीके से खाड़ी में भरनी किया जा रहा है। किसकी मेहरबानी से ये खाड़ी में मिट्टी डालकर भरनी किया जा रहा है? कौन है वो लोग जो रेती बंदर के पास खाड़ी में ये भरनी कर रहे हैं? तस्वीरें देखें, अवैध रूप से भरनी की जा रही है। यहाँ सवाल उठता है कि खाड़ी को पाटने का परमिशन आखिर किसने दिया है, जबकि अधिकारी भी इस पर कैमरे पर पेपर देखकर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जो खाड़ी ठाणे, रेती बंदर, दीवा और भी आगे तक जाती है, अगर इस खाड़ी को भरनी कर पाट दिया जाएगा तो आखिर इस खाड़ी का पानी कहाँ जाएगा? आखिर रेती बंदर खाड़ी को अवैध रूप से भरनी क्यों किया जा रहा है? आज कई अधिकारी यहाँ पहुँचे, जब उनसे पूछा गया कि अवैध रूप से ये खाड़ी में भरनी कौन कर रहा है और आखिर क्यों किया जा रहा है, तो उस वक्त रोशन वैष्णवी तलाठी, राठौर तलाठी मुम्ब्रा मौजूद थे और इनका भी जवाब हम आपको सुनाएंगे कि इन्होंने क्या कहा है। इन अधिकारियों का कहना था कि भरनी का मेजरमेंट लेने आए थे। जब पूछा गया कि अवैध भरनी है क्यों नहीं रोका जा रहा है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, तो इनका जवाब था जो व्यक्ति भरनी कर रहा है उसका पेपर देखेंगे, उसके बाद मीडिया में जवाब देंगे। मगर सवाल उठता है कि आखिर खाड़ी में भरनी करके उसे पाटने का परमिशन किसने दिया है? आखिर किसकी रहमो करम पर ये भरनी खाड़ी में किया जा रहा है? रेती माफियाओं ने रेत निकाल कर मैंग्रोव तो नष्ट कर दिया और अब खाड़ी में भी भरनी किया जा रहा है। क्या अधिकारियों की मिली भगत की वजह से ये हो रहा है? अधिकारियों की वाकई में अगर मिली भगत है, कौन कौन से अधिकारी हैं इसमें जो शामिल हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। सुनिए तलाठी राठौड़ ने अवैध रूप से खाड़ी में भरनी करने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने। अभी कार्रवाई है ना, अभी मेजरमेंट लेके गए। मेजर, ये अवैध भरनी जो हो रही है तो ये क्यों अवैध भरनी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है अवैध भरनी बताइए। अवैध भरनी है ना ये, अभी मेजरमेंट लेके गए ना। नहीं, मेजरमेंट आप लिए, लेकिन भरनी जो है ये अवैध है, आप इसे मान रहे हो अवैध है? अभी उनको रिपोर्ट देंगे, लेटर देंगे उनको, उनके पास से क्या क्या है, उन्होंने क्या परमिशन लिया देखेंगे। अच्छा, किससे देखेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। अभी क्या नाम है उनका? अभी ये ना शाहिद अख्तर। हाँ। तो अभी यहाँ से आप जो बांज वगैरह ये सब जब्ती किए, कितना है वो, क्या है पूरा? कहाँ पे बाजू? यहाँ से रेती उतनी जब्ती हुई है कुछ? कहाँ पे बाजू? कुछ नहीं हुआ है। भरने के लिए आए? भरने के लिए सिर्फ आए थे। तो क्या भरनी रोका जाएगा या और ऐसे क्या होगा इसका? अभी उनके पास जो डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, हाँ, उसके बाद ही हम लोग आपको बता सकते हैं। तब तक नहीं। खाड़ी में मैंग्रोव तो नष्ट किए ही जा रहे हैं, रेती निकाली जा रही है और अब खाड़ी में भी मिट्टी डालकर भरनी किया जा रहा है। आखिर कौन लोग हैं ये जो खाड़ी में भरनी कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? लेकिन एक बात तो इससे साफ होती है कि बिना कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के मिली भगत होने की वजह से ये खाड़ी में भरनी नहीं हो सकती। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।